उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में बीजेपी नेत्री की उसी के स्कूल में मिली लाश। सियासी साजिश या फिर लव सेक्स और धोखा के एंगल से पुलिस कर रही है तफ्तीश। इलाके में फैली सनसनी। आज दोपहर 12 बजे 4 दिन से बंद प्ले स्कूल खुलने पर हुआ खुलासा। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह छोटे बच्चों का प्ले स्कूल पिछले 5 दिनों से बंद है और इस स्कूल की मालिक वर्षा पवार ही थी जिसका शव मिला है। वर्षा पवार एक युवा बीजेपी नेत्री थी जो बहुत एक्टिव थी और तमाम पार्टी कार्यकर्ता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। इसी वर्ष वर्षा ने यह प्ले स्कूल शुरू किया था। संबंधियों ने बताया कि वर्षा स्वतंत्र नगर नरेला की ही रहने वाली है और वह इलाके में बहुत चर्चित है। निजी जिंदगी के बारे में तफ्तीश करने पर पता चला कि 28 वर्षीय वर्षा एक तलाकशुदा महिला है और पिछले कुछ महीनों से अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। फिलहाल प्रेमी 5 दिनों से फरार है और गौरतलब बात यह है कि वर्षा का फोन भी गायब है और उस फोन पर लगातार फेसबुक पोस्ट और इंस्टाग्राम पोस्ट डाली जा रही है। आई मिस यू वर्षा और वर्षा की खूबसूरत तस्वीर अपने आप में एक कहानी बयां करती है। हमारे संवाददाता ने जब पूरे मामले को जानना चाहा तो स्कूल के बगल के दुकानदार ने बताया कि यह स्कूल वर्षा का ही है और पिछले 5 दिनों से बंद है। लेकिन 5 दिन स्कूल न खुलने और वर्षा के घर न पहुंचने से घर वाले काफी परेशान थे, जिसके बाद वर्षा के पिता ने स्कूल से बदबू आने की पड़ोसियों की शिकायत पर जब स्कूल का शटर उठाया तो स्कूल के ऑफिस में नीचे पड़ी हुई वर्षा की लाश देखी। लाश देखकर अवाक पिता से बोला न गया और फिर एकाएक चिल्लाने लगे। इतने में पड़ोसी इकट्ठा हो गए और पुलिस को इत्तला किया। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम और नरेला थाना मौके पर मौजूद है। खबर लिखे जाने तक लाश अब स्कूल में ही है और इसे हत्या के एंगल से देखा जा रहा है। प्रेमी का फरार होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और उसी के फोन से आई मिस यू वर्षा की पोस्ट लव सेक्स और धोखा के एंगल की तरफ इशारा करती है। फिलहाल अब पुलिस की आगे की तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही रहस्य से पर्दा उठा सकती है। नरेला में बढ़ते अपराध के लिए दिल्ली पुलिस अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती है। गौरतलब है कि इसी महीने नरेला में कई बड़ी आपराधिक मामले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।